गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लगे हैं बनाने बिरयानी, तो उसके लिए तैयारी करना मैंने शुरू कर दी है। हरा प्याज आज मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ बिरयानी में, साथ में पुदीना, धनिया, हरी प्याज और नॉर्मल जो प्याज होता है वो बारीक कट कर लिया है। अदरक और लहसुन को भी स्लाइस कर लिया है। हरी मिर्च और टमाटर, तो टमाटर को मैं प्यूरी करके यूज़ करूँगा, और बाकी सभी जो मसाले हैं ये मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। तो बाकी तैयारी मैं आपको बताता हूँ और हमने इसमें क्या यूज़ किया है। चावल मैंने लिए हैं, तो चावल बासमती या दूसरे आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑप्शनल रहता है इसमें आप चाहे। मैं तो मैंने इसमें बासमती ही यूज़ किया है। चावल को धोकर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। पानी, खुला पानी लेंगे खुले बर्तन में। एक कटोरी चावल के लिए 4 कटोरी मैंने पानी लिया है। उसमें डालिए काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़े से लौंग। तो ये सब मसाले पानी में डाल देंगे। पानी हल्का सा गर्म हो चुका है। पानी को जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम चावल डाल देंगे। तो साथ में इसमें मैंने 1 चम्मच नमक भी डाला। तो अभी इसमें डालते हैं सारे चावल और चावल को पकने तक वेट करते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसे रखा है। चावल पकने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। चावल जैसे ही खौलना शुरू हो जाएंगे और अच्छे से कुक हो जाएं तो इसका पानी निथार कर हम चावल को अलग रख लेंगे। इसमें जो खड़े मसाले डाले थे वो हम निकाल के अलग कर लेंगे। जैसे दालचीनी और बड़ी इलायची होगी, इनको निकाल के अलग रख लेंगे। तो इनको निकाल लें, इनका यूज़ नहीं करेंगे, इनका अर्क चावल में आ चुका होगा। लीजिए, चावल रेडी हैं। बाकी तड़के के लिए अगर हम तैयारी करें तो सरसों का तेल मैंने यूज़ किया है। इसमें डाल दिया सारा प्याज और इसे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो गैस की फ्लेम इसमें रखेंगे हाई और चावल प्याज को ब्राउन होने तक तलेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से। तो आधा प्याज इसमें हम निकाल के रख लेते हैं और आधा प्याज हम तड़के में यूज़ करते हैं। तो आधे प्याज मैंने निकाल के रख लिए और बाकी बचे हुए प्याज उसी कढ़ाई में, उसी तेल में, एक्स्ट्रा तेल अब हम नहीं डालेंगे। मैंने डाला है इसमें अदरक और लहसुन, इसे काटा नहीं है, हाथ से क्रश किया है। टमाटर को प्यूरी कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाना है। मसाले इसमें अभी नहीं डालेंगे। जो टमाटर हैं जैसे कि अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, तेल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, तब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो ये रहे खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची और जावित्री, और थोड़ा सा जायफल मैंने इसमें यूज़ किया है। तो ये सभी मसाले हम अपने जो मसाला है उसमें डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ इसे कुक होने देंगे। डाली है मैंने थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर। तो मसाला जैसे ही हमारा कुक हो जाएगा, तेल इसमें से बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाता है, तो वो मसाला पकने की निशानी होती है। तो मसाले जो इसमें बिरयानी के मैंने डाले हैं वो यही मसाले इसमें डाले हैं जो अवेलेबल हैं। इसमें तेज़पत्ता मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने जायफल डाला है, तो दोनों का टेस्ट काफ़ी अलग होता है, तो मैंने इसमें जायफल डाला है। मसाला अच्छे से जैसे पक जाएगा इसमें डालेंगे चिकन। चिकन के बिल्कुल ब्रेस्ट के पीसेस लें बिरयानी के लिए और उसके बिल्कुल छोटे टुकड़े कर लें। मसाले में अच्छे से मिक्स करके नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि हमने चावल में भी इसको बिरयानी जब बनाएंगे तो चावल से कम हो सकता है। चिकन पकने में 10 से 15 मिनट लगेंगे मीडियम टू मीडियम फ्लेम पर। चिकन जैसे पक चुका है बिल्कुल चेक कर लें और एक बड़ा बर्तन लें, उसमें मैंने आधे जो चावल थे उसकी एक लेयर बना ली है, उसके ऊपर डाले हैं ब्राउन किए हुए प्याज और साथ में हरा प्याज। तो ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, पर मैं इसमें अपनी रेसिपी में ये यूज़ कर रहा हूँ। तो एक लेयर होगी, अगर कम चिकन है तो आप सिर्फ 2 लेयर डाल सकते हैं, जैसे एक लेयर चावल की, ऊपर से चिकन और फिर से चावल डाल दिए। ज़्यादा चिकन है तो आप मल्टीपल लेयर एक से ज़्यादा बना सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो चावल के ऊपर चिकन अच्छे से डालने के बाद मिला लें
अच्छे से बिछा लें इसे, और फिर बचे हुए चावल इसमें ज़ारे डाल दें और अच्छे से फैला लें इसे। अब इसमें फिर से तले हुए प्याज चारों तरफ फैला लेंगे इन्हें भी, और ऊपर से मैंने डाला है बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया, तो ये भी अच्छे से डल जाएगा। और पुदीना जो है वो बिरयानी में डलता ही डलता है। हरी मिर्चें काट के डालें या बिना काटे आपकी मर्जी है, ये सब डाल देंगे। अब इसमें फूड कलर मैंने यूज़ किया है रेड और ग्रीन, तो थोड़ा सा इसे मिलाना नहीं है, बस थोड़ा सा रख दें। जैसे ही हम इसमें दम देंगे तो अपने आप इसमें बाद में मिक्सिंग के टाइम पे ऐड हो जाएगा। फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए मैंने डाला है केवड़ा, तो केवड़ा जल आराम से मिल जाता है मार्केट में, थोड़ा सा डलता है बिल्कुल ये। और इस स्टेज पे आके घी हम इसमें सबसे ऊपर से डालेंगे, तो इससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो दम रखने के बाद 15 मिनट तक दम दिया था। अब ये देखिए बिरयानी दम हो चुकी है। इसे साइड से उठा के चावल को मिक्स करना है, बीच में से ना उठाएं, देखिए इस तरह से साइड से लेके बीच में रखेंगे तो बिरयानी हमारी मिक्स हो जाएगी अच्छे से, और बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है। तो ट्राई कीजिएगा, और बिल्कुल सिंपल आप आसानी से घर में बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।